आपका बैंक का अकाउंट, बैंक का अकाउंट नाम क्या है? ब्रेंड। अभी निकलना है, आपका बैंक का अकाउंट नंबर मालूम होना चाहिए, नहीं तो नहीं आएगा ना। आपको कहाँ मालूम है विदाउट दिस? तो ये बैंक अकाउंट में कितना खजाना है, कहाँ है, उसका परसेंटेज वाइज यहाँ आ जाएगा। ये जन्मदिन का कुंडली जैसे है, ब्रेन का, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, किस पर्सन से कितना भगवान भरे है, इसको इस्तेमाल करके बच्चा पढ़ाई करता है, सक्सेस होता है, कुछ भी करता है, कैरियर करता है, सबका डिटेल, कैरियर आ जाता है, पर्सनालिटी आ जाता है, जिसमें आपको पर्सनालिटी बोला, स्ट्रेंथ वीकनेस सब पता चल जाता है। फिर उसके पहले कैसे पढ़ाई करता है बच्चा, आप तो शरीर को पढ़ाते हैं क्लास में बैठ कर के, आपकी आँख को पढ़ाते हैं, कान को पढ़ाते हैं, या शरीर को? मैं सिखाऊंगा कैसे पढ़ाना चाहिए 90% के लिए। आँख से जो सीखता है उसका आँख का ढंग से पढ़ाना पड़ेगा। चिड़िया को एयर देना पड़ेगा, पानी नहीं, मछली को पानी देना पड़ेगा 100 किलोमीटर जाने के लिए। इंसान को क्या करना पड़ेगा, रास्ता देना पड़ेगा। ये सब आप सीखेंगे नया ट्रेनिंग में, ये लर्निंग स्टाइल बोला जाता है। इसका लर्निंग स्टाइल क्या है आप बोल सकते हैं, उसका लर्निंग स्टाइल क्या है आपको मालूम ही नहीं, शरीर को देख रहे हैं। फिर आ जाइए कैरियर, कौन सी लाइन में जाएगा, ये सब कैरियर है। अब इसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं 2 साल के बाद, और उससे बाद कितना इमोशनल है, कितना IQ है, कितना क्रिएटिविटी है, किस लाइन में क्रिएटिव है, किस लाइन में क्रिएटिव है, किस लाइन में क्रिएटिव है, किस, सब कोई क्रिएटिव है, लेकिन किस दिशा में क्रिएटिव है। झूठ बोलने से भी क्रिएटिव होते हैं चोर लोग, ठीक है। सो ऐसे कोई टीचिंग करता है, कोई डिजाइनिंग करता है, कोई खाना पकाता है, उस लाइन में क्रिएटिव है, ऐसे इमोशनल है सब कोई, लेकिन परसेंटेज कितना है, इमोशनल क्वोशेंट उसको बोलते हैं, इंटेलिजेंस IQ बोलते हैं, कितना इंटेलिजेंट है वो नापेंगे कैसे। आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट मार्कशीट इज नॉट ए स्टैंडर्ड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, वही परीक्षा लिया जाएगा वही क्लास में, अप होगा या डाउन होगा, सेम क्वेश्चन पेपर रख के आज परीक्षा दिया 90 रख दिया, एक महीना बाद वही क्वेश्चन पेपर दीजिए, कितना रखेगा? ये आसान है 96% आसान है या 69% आसान है मार्क्स में? आसान है, ये आसान है आपके लिए, बोलिए 69 आसान है, सर आप बोलिए। ये आसान है, साउथ ईस्ट राख के पढ़ के मार्क रख रहे हैं, जो ओरिजिनली पैटर्न से पढ़ रहे हैं उनको 69% आ रहा है, जबरदस्ती ठोस के एक दिन के लिए परीक्षा, वन नाइट, एक दिन दो दिन के लिए ये हो जाएगा, अगला दिन एक सप्ताह के बाद सेम क्वेश्चन दीजिए क्या आ जाएगा। तो बच्चे के लिए आसान क्या है? 69, हाँ आसान है 96। आप सोचते हैं 96 बच्चा रखा है बहुत ही अच्छा है, सोचते कि नहीं, गलत हो गया, दिशा ही गलत हो गया इवैल्यूएशन का, एग्जामिनेशन का, तो नतीजा क्या निकलेगा? नमक के जगह शक्कर डाल दिया, होगा क्या? गाड़ी का क्वालिटी पेट्रोल के जगह किरोसिन डाल दिया, होगा क्या? इंजन का इस तरफ जाना था इस तरफ चले गए, कहाँ पहुँचेंगे? जो आप लोग टोटली इंडिया से मिसगाइडेड है, टोटली जन्म से मरण दिन तक, इसका नाम है एजुकेशन सिस्टम। कितना मैं रेक्टिफाई करूंगा, डॉक्टर गलत कर रहे हैं, टीचर गलत कर रहा है, यूनिवर्सिटी गलत कर रहा है, एम्प्लॉयर को मालूम नहीं किस टाइप का एम्प्लॉय लेना है, कहाँ कहाँ मैं प्रोजेक्ट लेके काम करूंगा। एनीवे आप ही लोग ठीक करेंगे इंडिया, इस बच्चा को जब ठीक कर देंगे तभी सही माँ बन पाएंगे इंडिया के लिए, सही सिटीजन बन पाएंगे। अभी जस्ट सिटीजन बने हैं, अच्छा सिटीजन अच्छा माँ बने ही नहीं, अच्छा टीचर का बहुत दूर बात है, हम लोग ट्रेनिंग देंगे और आप किसी के पास जाइए भिलाई में या छत्तीसगढ़ में, आपको अच्छा माँ अच्छा टीचर अच्छा वाइफ
बनाने के लिए या अच्छा क्या बोलते हैं बहू या अच्छा बेटी, उसके बाद अच्छा ग्रैंड मदर बनाने के लिए फॉर्मूला ही नहीं है। मेरे पास सब फॉर्मूला है और मैं बना के छोड़ूंगा तो स्कॉलरशिप दूंगा किसको? मदर्स को। स्कॉलरशिप नॉट टू द चिल्ड्रेन, जो बना के मुझे अच्छा खाना देश के लिए देगा। देश के लिए खाना है, जो एम्प्लॉयर खिलाएगा रुपया सैलरी उसको ऐसे खाना चाहिए। पकाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? कुक का। कुक कौन है? आप मैं नहीं, मैं सिखाऊंगा, आई एम द ट्रेनर, मेरा टीम ट्रेनर है। ये खाना है, इसको कोई इस्तेमाल करेगा मतलब एम्प्लॉयमेंट देगा मतलब यूज करेगा तभी उसका तरक्की होगा फैक्ट्री का या स्कूल का। लेकिन स्कूल इसको क्यों लेगा, फैक्ट्री इसको क्यों लेगा? मान लीजिए डॉक्टर, वो मैं हॉस्पिटल क्यों लेगा? वो आपका जिम्मेदारी। इतना आसान है 96% रखिए, अगला दिन 69% हो जाएगा। इज सी क्वालिफाइड फॉर ए गुड डॉक्टर, गुड एम्प्लॉय, गुड मैनेजर इन बीएसपी, गुड प्रिंसिपल? ओजा सर ले लेंगे इसको, जिस टाइप को चाहिए ओजा सर को, बीएसपी सीओ का ईडी को, उसी टाइप है कि नहीं? वो कब देखेंगे? 25 साल, 30 साल, 35 साल। बनाया कौन? 1 साल से, 1 दिन से? आपका ही ट्रेनिंग नहीं है, 25 साल में क्यों उसको लेंगे? तो उस दिन देखने के लिए आज से शुरू करना पड़ेगा, जैसे पोलियो वैक्सीन दिस दैट। सो लाइफ को वहां रखने के लिए, यहाँ रखने के लिए यहाँ काम करना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ से। अभी तो वो पीछे हट गया है 9 महीना डेट ऑफ कंसीव से। 9 महीना में जो पावर दिया जाता है बैटरी जैसे, वो बाद में नहीं दिया जाता डेट ऑफ बर्थ के बाद, डेट ऑफ कंसीव से आ गया अभी। तो फॉर्मूला गायनोकोलॉजिस्ट लोग आप लोग को सिखाएंगे, मेरा काम नहीं, मैं गायनोकोलॉजिस्ट को सिखाता हूँ। तभी पेरेंट्स कोई अच्छा पेरेंट्स होंगे देश में, वो पेरेंट्स दिखाएंगे मेरे जैसे पेरेंट्स बनाओ इसको इसको, ये तभी पेरेंट्स बनेंगे। साइक्लिक है ना, बेटी माँ ग्रैंड मदर, ये साइक्लिक है, चलता है दुनिया। आज का बेटी कल का ग्रैंड मदर, उसको क्या दिया जाएगा? धन, ज्ञान। पैसा देने से वो आपको इसको ऐसे, ज्ञान देने से आपको साइक्लिक। आपका ज्ञान नहीं मिला मान लीजिए, यू आर द फादर, आपको देना पड़ेगा हमको, तभी आप पसंद करेंगे, तभी वो पसंद करेंगे, प्लस आप पसंद करेंगे। ज्ञान के जगह रुपया आप पसंद कर सकते हैं, मैं 1 लाख रुपया आपको दूंगा, आप वहाँ से यहाँ दे पाएंगे, वहाँ से यहाँ दे पाएंगे, ज्ञान देने से दे पाएंगे, अच्छा इंसान बनाने के लिए इसको। तो ये पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर, नया मोड, नया सोच। अच्छा इंसान देश को चाहिए, अच्छा डॉक्टर, अच्छा कलेक्टर, अच्छा टीचर, अच्छा प्रिंसिपल, अच्छा प्राइम मिनिस्टर चाहिए कि नहीं देश को? कैसे बनेगा? फैक्ट्री कहाँ है? स्टील प्लांट में अच्छा प्राइम मिनिस्टर बनेगा? कुछ है डिपार्टमेंट? नहीं ना। रविशंकर यूनिवर्सिटी में अच्छा प्राइम मिनिस्टर बनेगा? नहीं है, मैं देख चुका हूँ जाके बात करके। तो ऐसे ही है माइंड, ट्रेंड समझ में आ रहा?